मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज हमारे साथ हैं मिस्टर के रहमान खान साहब, जिनके बारे में बोलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके पास है। शायद उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में। सर, आप थोड़ी सी जानकारी हमको दीजिए कि आपका जो पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था, किस सन में आपने पॉलिटिकल फील्ड ज्वाइन किया था? पॉलिटिक्स ज्वाइन होने के पहले मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अच्छा, मैंने 1967 से अलमीन तहरीक में से मुंसलिक था और वो तहरीक को आगे बढ़ाने में हम तमाम एक रोल के अलमीन मोमेंट जिसको हम कहते हैं उसका एक मैं इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी था। और मैं कभी सियासत को कोई पोजीशन हासिल करने के लिए या सियासत में मैं बाई इंटेंशन नहीं गया। अच्छा, ये मैं यहाँ इसलिए कहना चाहता हूँ कि अल्लाह किसी को भी एक जिम्मेदारी के लिए मुंतखब कर लेता है। मैं जिस वक्त MLC बना, मुझे एक मिनट के पहले मुझे ना मैं किसी से दरख्वास्त किया था ना किसी से पूछा था। अच्छा, मेरे जो सोशल वर्क काम कर रहे थे उसमें मेरा नाम कहीं से उभर गया, कहीं से बन गया मैं पॉलिटिशियन। इस तरह मैं पॉलिटिक्स में आ गया। अच्छा, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। तो अल्लाह की मर्जी थी, मंशा था। तो 78 में मैं MLC बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सोशल वर्कर से हूँ। मैं जब पॉलिटिक्स में रहूँ या और कोई फील्ड में रहूँ, मेरा जज्बा लोगों की खिदमत करने का ही था। मेरे सर्विसेज को पार्टी ने भी रिकग्नाइज किया, सोसाइटी ने भी रिकग्नाइज किया। 82 में मुझे कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन बना। अच्छा, यानी सबसे कम उम्र एल्डर हाउस का चेयरमैन बनने का मुझे मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह 84 तक मैं रहा और उसके बाद फिर मुझे और एक टर्म दिया गया पार्टी ने मेरे परफॉर्मेंस को देखते जी। उसके बाद पार्टी में सरगर्म रहा, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना, वाइस प्रेसिडेंट बना और कुछ बना। 93 में मैं मुझे कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। अच्छा, जहाँ पर मेरे जो सर्वे हैं वो हिस्टोरिक सर्वे हैं और वही बेसिस बना सचार कमेटी के लिए। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सर्वे के का नतीजा ये हुआ कि आज कर्नाटक में 2B कैटेगरी में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन है। वो 20-25 साल से चलता है। 94 में मुझे कहा गया कि आपको राज्यसभा जाना है, पार्टी से कहा गया। अच्छा, ना मैंने वो भी दरख्वास्त नहीं की कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ। तो मैंने और ज़्यादा माइनॉरिटी कमीशन में काम करना चाहता था, मेरा एक ख्वाब था, विजन था जी। तो मगर पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको और ज़्यादा जिम्मेदारी लेना है, पार्लियामेंट को जाना है। तो अल्लाह ने वो पार्लियामेंट में मेरे ना चाहे ना पूछने के बावजूद भी मुझे पार्लियामेंट भेज दिया गया। तो इसी तरह से पार्लियामेंट में मेरा जो भी रोल रहा, कौम से जुड़ा हुआ था, कौम के मसाइल से जुड़ा हुआ था। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने रिकग्नाइज किया मुझे काम को रिकग्नाइज किया। राज्यसभा में मनमोहन सिंह के साथ डिप्टी लीडर, वो लीडर थे, मैं डिप्टी लीडर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ वहाँ। जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार बनी जो UPA 2004 में जी, तो पहली मिनिस्ट्री में ही मुझे मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया। अच्छा, उसके बाद पार्टी ने की एक डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा की को सेलेक्ट कर रहे थे कि अच्छा मौजूद आदमी होना चाहिए। तो मेरा यहाँ भी एक्सपीरियंस था, यहाँ चेयरमैन था काउंसिल का। तो उन्होंने पार्टी ने मनमोहन सिंह सोनिया गांधी जी ने कहा कि हम आपका नाम सजेस्ट करना चाहते हैं डिप्टी चेयरमैन को, क्या आप मिनिस्ट्री छोड़ेंगे? मतलब पार्टी का वफादार हूँ, पार्टी जो भी जिम्मेदारी है मैं करूँगा। तो मैं 3 महीने के बाद मैं मुझे वहाँ पर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा को मुंतखब किया गया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह 2 टर्म किया, बड़ी कामयाबी दिया अल्लाह ने। अच्छा, तो फिर का पार्टी ने कहा कि आपको माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री संभालना है। तो मैं मनमोहन सिंह साहब के कैबिनेट में आ गया। अच्छा, उसमें मैंने बहुत से चेंजेस लाए, जो आज वक्फ जो
2012-13 का जो वक्फ एक्ट है वो पूरे एक्ट को मैंने तब्दील किया वक्फ एक्ट को. अच्छा. और उसमें वो उसको एक मजबूती दी है वक्फ एक्ट को. इसी तरह वक्फ की प्रॉपर्टी के लीजिंग जो होती थी वो सही नहीं होती थी. वो लीजिंग के रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाए हैं और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कोई इख्तियार थे नहीं थे, मैं इख्तियार दिया. और उसके बाद एक नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेटअप किया. अच्छा. फिर मैं तालीम से वाबस्ता हूँ. हाँ, तो ये एजुकेशन में आपने बहुत सारे काम किए. जैसा कि मैं कहा कि अलमीन ये है एजुकेशन फील्ड में. मैं अलमीन एजुकेशन सोसाइटी का 18 साल सदर रहा. अच्छा. और जो भी डेवलपमेंट हुए अलमीन सोसाइटी के, जो कॉलेजेस हुए, मेडिकल कॉलेजेस हुए, हॉस्पिटल्स हुए, इसमें पूरा मैं इसमें मैं जुड़ा हो रहा था. अच्छा. अमानत बैंक इस्टेब्लिश किया. और सारे स्टेट की सबसे पहले शेड्यूल बैंक, आज तक कोई मुसलमान शेड्यूल बैंक नहीं, शेड्यूल बैंक बनी. और उसके बाद उसमें बहुत से साजिशें हुई उसको ख़त्म करने की. साजिशों का शिकार भी हुआ मैं. तालीम के मैदान में अलमीन सोसाइटी का जो मेरा ख्वाब था वहाँ एक यूनिवर्सिटी बनाने का, मगर हमारे में इत्तेफाक इत्तेहाद कमी होने से आपस में ना इत्तेफाकी. हमारा कोई दुश्मन बाहर का नहीं है मुसलमानों के. जी, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, तो ये बताइए कि ये प्रॉब्लम्स आपके अपने थे या कोई और गैर कौम के लोग थे? नहीं, कोई गैर कौम के कोई नहीं, अपने अपने लोग अपने. यानी हसद 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 या इस हद तक ले जा सकता है जी कि बर्बादी के तक भी चले जाते हैं खुद लोग, अपने अपने लोग. तो ये अल्लाह ताला इसीलिए सूरह फलक में कहता है कि हसद को मेरे से पना मांगो. तो हसद का शिकार हुआ है. मेरी किताब में लिखा हूँ, मेरी सामान्य हयात मई लाइफ हिस्ट्री, उसमें मैं ये सब पूरे जो भी इदारे हम जिस तरह से शुरू किए कौमी इदारे उसका तस्किरा भी है. उस इदारों को हमने खुद कैसे बर्बाद किया उसका भी तस्किरा है जी. तो इसके लिए मेरी ये बुक इसलिए लाइफ हिस्ट्री लिखा हूँ कि लोगों को, आने वाले जनरेशन को, ये गलतियाँ वो ना करें. मेरे से भी गलतियाँ हुई होंगी काम करने के वक्त, दूसरों से भी. तो इसलिए एक आपके पास इतना सब्जेक्ट का समंदर है तो शायद हम बात शुरू करें तो घंटों लग जाए. लेकिन मैं ये में जाऊंगा कि जो बैंक का आपका था वो जो प्रॉब्लम आया उसका क्या मेन रीजन था? वो मेरा बैंक नहीं था, आवाम का बैंक. हाँ जी, इट इज़ ए कोऑपरेटिव बैंक. अगर इसकी हिस्ट्री आप देखें तो मुझे एक वक्त में एक कोई सोसाइटी रजिस्ट्रार के बजाना हुआ, वहाँ मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा मारवाड़ी बैंकर्स के शिकार जो मुसलमान हैं जी, तो उनके एक लिस्ट थी कि उसमें 400 या 500 लोगों की थी. 90% मुसलमान थे, मारवाड़ी के कर्जों से शिकार थे. अच्छा. तब एक आइडिया आया मेरे और मेरे दोस्त थे अब्दुल समद साहब, क्या मुसलमान कौम है यहाँ पर, हमारे पास एक सोसाइटी भी नहीं है लोगों को ज़रूरत है पैसा देने की. तो हमने एक सोचा कि क्यों नहीं एक कोऑपरेटिव बैंक शुरू करें. सिर्फ 3 लाख रुपयों से हमने एक सरमाया डालकर ये बैंक शुरू किया. अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल में ये कर्नाटक के पूरे कोऑपरेटिव बैंक से आगे हो गए. अच्छा. और मुझे ये बैंक को इस हद तक ले जाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने पहली मर्तबा मुझे सहकार रत्न अवार्ड दिया. मुझे गलती ये हुई कि मैं जो 400 लोगों को काम हमले हम का बैंक में नौकरी दी जी, और उनको ऊपर ले गया, हमें बाहर से लोगों को नहीं लाया. अच्छा. उनको ही ट्रेन करके यही आदमियों को लेते. अब बैंक बढ़ती गई, इसमें हजारों लोगों को फायदा हुआ जी, हजारों लोगों को. यानी अंदाजा नहीं लगा सकती कि बैंक से मिल्लत को कितना फायदा. अब उसमें जो बैंक कार्य तो अमला बढ़ गया, 400 आदमी
जनरल मैनेजर रे वो सब, तो इसमें एक जनरल मैन तीन चार जनरल मैनेजर ने फ्रॉड किया क्योंकि बहुत पावरफुल हो गया था ट्रांजैक्शन, उसने फ्रॉड किया यानी कुछ 30-35 करोड़ रुपए अपने बगैर बोर्ड के परमिशन के, बगैर किसी के परमिशन के लोन दे दिया था अपने रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी खरीदने में। अब वो खुद बैंक के बोर्ड ने ही उसे डिडक्ट किया। अच्छा, ये किया वो सब तो बैंक इतनी बढ़ती थी, लोग मौके की तलाश में थे। मौके की तलाश में थे जी। तो उन्होंने वो जनरल मैनेजर वो जो अमला था उनको भूल गए। अब वो सब पूर लाके बोर्ड को भी भूल गए, यानी मेरा इसमें कोई ये था बोर्ड। तो रहमान खान को टारगेट बनाया कि ये सब। अच्छा, अब उसमें इंक्वायरी करे, मैं खुद कहा कि सीएडी को दो। सीएडी ने कहा बोर्ड के मेंबर हो रहमान खान के इसमें कोई दखल नहीं है, तीन आदमी इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन, उनको अरेस्ट हुआ, हम जेल गए। अब उसके बाद हमारी जो बोर्ड थी वो भी हमारे जो साथियां थे जो मिलके काम थे उनमें भी हसद का जरूरत था, किसी तरह से उनको मौका मिल गया रहमान खान को यहाँ से निकालने का, टारगेट करो टारगेट करो। तो ठीक है भाई, अगर तुम कोई चलाना चाहते हैं मैं निकल जाता हूँ। तो मैंने आई रिजाइंड, आई लेव द बैंक, जो भी मेरे से ताउन होता मैं करने के लिए तैयार था। नहीं चला सके बैंक, आसान बैंक चलाना इतना आसान नहीं जी। यानी एक बैंक मेरी 25 साल प्रोडक्टिव इयर्स ये बैंक बनने में मैं खर्च किया। कंप्यूटराइजेशन, आप सीए भी थे और शायद मुस्लिम के पहले बैंक से, जैसे मैं सीए के ट्रेनिंग से ही बैंक से जुड़ा हुआ था, हर नेशनल बैंक की ऑडिट करता था मैं, सब बैंक से मेरा बैंकिंग में मेरा एक माहरी था, इसीलिए ये थे। नहीं तो वरना इतना जल्दी शेड्यूल बैंक हो नहीं सकता। तो खैर अल्लाह की जो भी मर्जी है मैंने आ गया। मैं उसके बाद लोग बहुत उसको इस्तेमाल करे, एक रिपोर्ट जो कहा गया था कि नहीं ये जो फर्ज है ये वसूल करने की ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, मैं तो प्रेसिडेंट नहीं था उस वक्त भी, मैं गया कि हम कोशिश करेंगे इस बैंक को करने। उन्होंने कहा कि इनको टाइम देना चाहिए बैंक बोर्ड को। अब वो रिपोर्ट बाद में एक साजिश के तरीके से वो रिपोर्ट को छपा दिया गया। अच्छा, उसके बाद और एक रिपोर्ट लाए जिसमें हम तमाम को खुसूरवार ठहराए। ये जो ओरिजिनल रिपोर्ट थी उसको छपाया गया, डुप्लीकेट रिपोर्ट बना के उसको बेसिस बना के हमारा टारगेट करा गया। इसमें हुकूमत उसको सुपरसीड कर ले जब तुम सही नहीं था, तो वहां गवर्नमेंट की सुपर सीट हो तो गवर्नमेंट के हाथ में गए बात देते, ये कोऑपरेटिव बैंक है उनको क्या दर्द है कि जो डायरेक्ट कोई एम्प्लॉई आता है। तो 4-5 साल बैंक को सही से नहीं चला सके, कर्ज वसूल नहीं कर सके। सिर्फ उनका मकसद था कि ये इनको इस्तेमाल करके रहमान खान को टारगेट बनाए, रहमान खान को किसी तरह से इसको टारगेट बनाए। वो बनाए, वो अखबारों में लाए, पेपर में लाए, सब पर अल्लाह का करम कुछ एक आज तक नाम मैं उसके पर ये एक रिपोर्ट में भी या ये केस में भी कहीं मेरे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट यह है। तो आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बैंक मेरी जद्दोजहद से शुरू हुई थी, तो इसके बावजूद ये बैंक को फिर वापस इसको और शुरू करना है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बैंक हम पूरा जो भी हम कुर्बानी दे सकते थे पैसों से इससे सब फिर दे के फिर इसको शुरू किए जी। तो अब काबू में आ जाएगी बैंक, इंशाल्लाह आ जाएगी, कौम अब इत्तेहाद में आ रहा है जी। काबू बैंक अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट बैंक है जो रिव्यू हुई है, यानी 25-50 साल के रिजर्व बैंक की हिस्ट्री में फर्स्ट बैंक है जो रिव्यू हुई है। कितने दिनों के लिए बंद था बैंक? वो था 5-6 साल। 5-6 साल बंद था रफली। तो जो लोगों का पैसा उसमें है सबको धीरे धीरे मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। अब 75% सबको दे दिया गया है जी, सब ले लिए।
25% हम उनको सब वो बैंक वाले रिक्वेस्ट किए कि आप शेयर कैपिटल में डालो, हमारा शेयर में है वो 25% डिपॉजिट शेयर में है, वो कभी भी शेयर के ले सकते हैं वो 3 साल के बाद, और बाकी का 75% उनका वापस सर सबका सर मिल जाए। चलिए अच्छा है, बैंक का काम भी सॉल्व हो रहा है। अच्छा थोड़ी सी बात करते हैं सर हम वक्त बोर्ड के बारे में। वक्त बोर्ड के बारे में ये कहना है लोगों का कि बहुत सारे लोग वक्त बोर्ड के प्रॉपर्टियों को हड़प लेते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहाँ तक इसमें सच्चाई है? 100% सच्चाई है जी। तो आप जब इंचार्ज थे कुछ दिनों तक, तो इसमें कुछ लगाम नहीं लगा पाए? नहीं नहीं, कानून इसीलिए ना, जब अल्लाह ने मुझे मौका दिया जी एज मिनिस्टर में कानून में तब्दीली लाए, कानून कमजोर था जी, तो कानून में तब्दीली लाए। अब वो कानून अगर इस्तेमाल करके वक्फ बोर्ड सही काम करें तो पूरे जायदाद वापस आ सकते हैं। मैं क्या कानून लाया हूँ, कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी में कोई भी किसके भी कब्जे में हो, अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लीज अग्रीमेंट, वो बगैर डॉक्यूमेंट के वहाँ काबिज है, तो इट इज एनक्रोचमेंट एंड एनक्रोचमेंट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। पहले क्रिमिनलिटी नहीं थी आर्ट में, अच्छा, सो नाउ इट इज नॉन इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो अब कानून को उतना सख्त किया है? सब कानून बहुत सख्त है, मगर सवाल है कि यहाँ वक्फ बोर्ड बोर्ड एज सच सारे हिंदुस्तान एक एक बोर्ड नहीं, इसमें जो लोग बोर्ड बनता है जी, उसमें सिर्फ वक्त इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि या मुतवली निकालो, मुतवली डालो, मुतवली निकालो, क्योंकि हजारों वक्फ हैं उसी में पूरे बोर्ड का वक्त निकल जाता है, डेवलपमेंट में कुछ नहीं होता। हालांकि कानून हम बनाए हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर डेवलपेबल है सेक्शन 32(4) में, कि उसको अगर मुतवली नहीं डेवलप करता तो वक्फ बोर्ड अपने ले लेके उसको डेवलप करने का भी है, जब तक तुम वक्फ प्रॉपर्टी डेवलप नहीं कर सकते इसके कोई कौम को फायदा नहीं होगा जी। तो इसीलिए मैंने ऑल इंडिया वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, वो सचार कमेटी का रिकमेंडेशन था, पार्लियामेंट्री कमेटी का था, कोई भी नहीं बनाते, मैं बनाया नेशनल वर्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मगर उसको एक शेप देने के पहले हमारा टर्म खत्म हो गया, अभी बीजेपी ने उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट की उसे ठंडे बरसे लगा। तो वक्फ बोर्ड मेरा, क्योंकि मेरी जिंदगी जैसा तालीम में गुजरी है वक्फ बोर्ड में, वक्फ में भी, वक्फ के बोर्ड में, वक्फ के इदारों से वक्फ की दिलचस्पी में गुजारा है। मैं आज भी मुंसलिक हूँ, यानी वक्फ के जायदाद को किसी तरह से कौम की जायदाद है ना उसको रिप्लेस करना। अच्छा, एक एनजीओ भी मैं शुरू किया हूँ जी, इंडियन औकाफ फेडरेशन। अच्छा, तो ये इसका काम है कि लोगों को वक्फ की जायदाद, वक्फ की जो जायदाद हैं, वक्फ है उसमें उनको बेदारी पैदा करें कि ये हमारी जायदाद है, अल्लाह की जायदाद है, इसको इसको उसका प्रोटेक्शन, इसका डेवलपमेंट हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, सिर्फ वक्फ बोर्ड तक महदूद नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह के बेदारी प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस बेस भी कर रहे हैं जी। तो इस पर भी एक डिटेल हम लोग बात फिर करेंगे कि इसमें आगे क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं वापस आता हूँ आपके कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी क्यों बिखर रही? देखिए, जब कभी इख्तदार खो जाते हैं जी, तो कांग्रेस बहुत लंबे अरसे तक इख्तदार में रहे, इसका नतीजा ये हुआ कि कॉम्प्लेसेंसी बहुत आ गई कांग्रेस में और वैल्यूज घटते जा रहे हैं कांग्रेस में। जो लोग आ रहे हैं वो कांग्रेस के वैल्यूज को देख के ना आ रहे हैं, इख्तदार के हाउस से आ रहे हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी गलती में कांग्रेस के जिम्मेदारों को भी हाईकमांड कहूँ कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था पार्टी में वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। तो आप जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लीडर इमर्ज होते हैं ना कि नॉमिनेशन से जी, तो आज कांग्रेस में अच्छे लीडर सलाहियत को रिकग्नाइज करने का कोई जरिया नहीं है। पहले जो कांग्रेस थी उसमें
ग्रास रूट लेवल से इलेक्शंस होते थे, ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर जगह इलेक्शन से आज लोग उभरते थे, तब उनकी सलाहियतें मालूम थी। आज नॉमिनेशन से होते हैं, कोई अपॉइंट कर दिया, कोई अपॉइंट कर दिया। तो एक सही, एक इसका जो लोग, सही लोग जो कांग्रेस के जज्बे से लगे हैं, वैसे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो लोग आज भी कांग्रेस पार्टी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुल्क, क्योंकि लोगों की पार्टी है, ये किसी की ये नहीं, मिल्कियत नहीं, पब्लिक की लगाव तो लगाव है इसको। अब मगर वो देखते हैं कि ये क्या, अब आज के हालात को ये देखते हैं, वो समझते हैं कि कांग्रेस में कौन ऐसा लीडर है जो जिम्मेदारी संभाल सके। वही लोगों का अब राहुल गांधी पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद लोग ये सोचते हैं कि जो चला कि मोदी साहब कर सकते नहीं, वो ये सही है कि वो कंपेयर करते हैं, कंपेयर लोग पार्टी हमारे से पार्टी लोगों को छोड़िए, हम पार्टी से मुंसलिक हैं, हम जो वही कहेंगे, मगर लोग ये समझते हैं कि कंपेयर करते हैं कि मोदी को और राहुल वर्सेस राहुल, वो वर्सेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नजर आता है कि ये काफी वीक है, कुछ कमी है। तो हो सकता है ये कमजोरियां हैं कांग्रेस की, तो उसको कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा। सर ये बताइए कि आप ये जो एक्ट के बारे में बात करते हैं, सीए के बारे में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये एक साजिश है, मैं समझता हूँ जी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, ये कह रहे हैं कि इसमें क्या खबाहत है, तीन मुल्कों में जो इत्तेफाक से मुस्लिम मालिक हैं, जहाँ परसिक्यूट हो रहे हैं माइनॉरिटीज, उनको हम सिटीजनशिप देना चाहते हैं जो आ गए हैं जी। ये कहते हैं कि हमारा ये इंटेंशन, इसमें क्या बुराई है? ये सबसे बड़ा, अगर ये करना चाहते हैं, उनकी नीयत ठीक थी जी, तो ये करते कि वो कानून में हिंदू सिख क्रिश्चियंस मंजिल में आते हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन दोस कंट्रीज, अगर यही वर्ड इस्तेमाल करते तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होता था, इम्तियाज नहीं होता था, परसिक्यूट माइनॉरिटी कोड में कोई, और नेहरू लियाकत अली एग्रीमेंट के तहत भी हो जाता था, मगर इनके इंटेंशन जो है सही नहीं है, इसलिए ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को आइसोलेट कर रहे हैं। ये सेक्शन अमेंडमेंट से जो होता है कि मुसलमानों को आइसोलेट करना चाहते हैं, ये एक मैसेज देना चाहते हैं, इससे हासिल कुछ नहीं होता, नुकसान भी हम नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको सिटीजनशिप मत दो, मुसलमान ये नहीं कर रहा है कि उनको सिटीजनशिप मत दो, हम यही चाहते हैं कि ये जो आइसोलेट करें ये कम्युनिटी को, वो नहीं, वो एक पहला ऑब्जेक्शन है। वो इनकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए नाम मजहबों के नाम लिखा है। अगर नीयत ठीक रहती, मकसद के लिए होता, तो सिर्फ माइनॉरिटी लिखते, वो भी वही इनका मकसद पूरा हो जाता जी। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज कह रही है कि हम सिटीजनशिप देने के लिए कर रहे हैं, ठीक, हाँ, यहाँ ये भी मान लिया जाए कि ये लिख दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो सिटीजनशिप एक्ट है जो 2003 में इन्होंने अमेंड किया है, जो एनडीए हुकूमत थी उस वक्त, तो उसमें ये एनपीआर और एनआरसी, या एनपीआर का एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनना चाहिए जी। वो इसलिए कि उस वक्त पर सोचा गया कि एक हर एक सिटीजन के लिए एक आइडेंटिटी होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, वो अगर सिटीजन है तो उसका कार्ड, उस हद तक वो भी सही था। इसके लिए एक रजिस्टर बनना चाहिए, पॉपुलर रजिस्टर, एक प्रोविजन बना गया। 2003 के बाद इनकी हुकूमत चलेगी वाजपेयी जी की, 2004 के बाद जब यूपी आई तो ने उसे आगे बढ़ाया, यूपीए तो एनपीआर उन्होंने किया, उनका मकसद आइडेंटिटी कार्ड इशू करने के हद तक था जी। तो 117 या 119 करोड़ लोगों का ये एन्यूमरेशन भी हो गया, उसके होने के बाद भी वहां कहीं यूपी, अब ये कहते हैं कि यूपीए में हुआ, हम अब क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, एनपीआर हो गया पहले 2010 में हुआ है, तो अब हम क्या गलती कर रहे हैं? तो जो क्वेश्चनियर बनाए हैं वहां, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता था, तो इन्होंने अब उसको क्या किया है, एन्यूमरेशन प्रोसेस में
चार स्टेजेस बनाए हैं। उसमें एक रजिस्ट्रार जनरल रहेगा पॉपुलेशन का एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे एक रजिस्ट्रार जनरल रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रजिस्ट्रार रहेगा, तालुक लेवल पे एक रजिस्ट्रार जनरल रहेगा, और एन्यूमरेटर लेवल पे लोकल लेवल पे एक रजिस्ट्रार जनरल रहेगा, रजिस्ट्रार रहेगा। जब वो एन्यूमरेट करता है, सबसे इसमें ड्रावनी चीज ये जो है कि ये एन्यूमरेटर लाखों की तादाद में रहते हैं, घर घर जाके एन्यूमरेट करते हैं, अब उनको क्वेश्चन पूछते हैं, अब ये अब करेंगे, ये नहीं पूछेंगे, वो नहीं पूछेंगे, ये डॉक्यूमेंट ठीक है पूछेंगे, मगर उसको ये इख्तियार दे दिए गए कि अगर वो समझता है, शक करता है किसी के क्योंकि सिटीजन नहीं है, तो उसको डी डाल देता है, वो हिंदू को भी डालता है, मुसलमान को भी, सबको देता है उस शक के नजर, अगर शक है। अब ये एक वक्त तो डी डाल दिया तो वो शख्स को बहुत बड़े मरहले पास करना पड़ता है उसको निकालने के लिए, यानी वहां से अपील जाना पड़ता है, वेरिफिकेशन होना पड़ता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाता है, डिस्ट्रिक्ट वो फाइनली जाते जाते उसको तो जब डी आ जाता है तो डाउटफुल सिटीजन बना के कैटेगरी में आ गया। तो यहां हमें शक है कि ये प्रोविजन सबसे खतरनाक प्रोविजन है। अगर वो एक आदमी जिसको आपने इतनी पावर दे रहे हैं, जो वो पावर इस्तेमाल करने की सलाहियत उसके पास नहीं रहती, तो मिसयूज हो सकता है, 100% मिस होने के इम्कान आते हैं। और इसमें एक और इसमें हमें शक है कि आरएसएस के लोग अंदर चले जाएंगे और एक कम्युनिटी को टारगेट करें, वो पहले वो बोलेंगे सबको डी डाल दें, सबको डी डाल दें, ठीक है लिस्ट बन जाएगी आपकी जी, कंप्यूटराइजेशन है, 5 मिनट में पूरे हिंदुस्तान के डी के लिस्ट आ जाएगी। अब जिसमें नॉन मुस्लिम जो है उसको ये अमेंडमेंट के तरह से जब अमेंडमेंट किए हैं हिंदू मुस्लिम को हम शहरियत देंगे तो उनको शहरियत दे देते, उनको डी पर डालने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक लिस्ट बन जाएगी मुसलमानों की भी, तो उनका उनको वेरिफिकेशन, उनकी वेरिफिकेशन जाते जाते कहां तक जाएगी, तो उसमें शक है कि इनका मंशा वो डिस्कशन में ही कहीं नहीं आ रहा है। अब सिर्फ मुसलमान, अब हम भी एजिटेट जो कर रहे हैं, CAA ये एजिटेशन कर रहे हैं, हम ही खुद जो एडिशन करें वो खुद नहीं समझेंगे CAA अगर एक छोटी चीज है जी। वो अमेंडमेंट छोटी चीज है, मगर यहां जो है ये प्रोसेस जो प्रोसेस है उनका खतरनाक प्रोसेस है, और उसके बाद ये करने के बाद ये क्या करते हैं, दैट विल गो टू NRC, यही NRC बन जाएगा, ये जो है डाउटफुल है तो वहां आपका नाम ऑटोमेटिक नहीं आएगा NRC, वहां प्रॉब्लम है नेशनल रजिस्टर में आने। तो होम मिनिस्टर क्लियर पार्लियामेंट में कहा है कि पहले सिटीजनशिप और कमेंट होगा, उसके बाद NPR आएगा, उसके बाद NRC आएगा, ये पार्लियामेंट का बयान है। तो ये सबसे बड़े खतरनाक, तो जब सबको लिंक करते हैं तो प्रॉब्लम, सिटीजनशिप एक्ट को पूरे तरीके से देखना चाहिए, एक सिर्फ सेक्शन अमेंडमेंट से एक्ट को सिर्फ देखना नहीं, पूरा एक्ट का जो है जो इस्तेमाल किया जाता है, जो पावर दिए गए हैं उसमें। सर जहां आपने कहा कि नॉन मुस्लिम को भी डी डाल दिया जाएगा, उसके बाद से वो बोलेंगे कि हम ये 3 कंट्री से आए हैं, तब आप उनको नागरिकता दे देंगे, ठीक है ना, फिर भी उस, अगर उसे शक होता वो बहुत कम है जी, वैसे इम्कान तो नॉन मुस्लिम को डी डालना इम्कान कम है ठीक है। तो अब ये बताइए आगे ये सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं तमाम आवाम को। देखिए मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इन 70 सालों में बहुत से मरहले तय किए हैं जी, कम्युनल डिस्टर्बेंस हुए हैं और कोई बहुत सी चीजें हुई हैं, मगर आज जितना डर इस CAA आने के बाद खौफ और डर ऐसा पैदा हुआ है कि कहीं ना कहीं अपने वजूद के ऊपर ही उसे डर है कि क्या हम, हो सकता है फर्जी ये भी होगा, इमेजिनेशन भी होगा, ट्रू भी होगा, मगर कहीं ये कोशिश नहीं हो रही है हुकूमत से, ये सबसे बड़ा है, ये हुकूमत से कोई नहीं क्या कि इनकी शक और शुबहात को हम आंसर करेंगे।
तो इत्तेहाद और कंटिन्यूस स्ट्रगल जी एक है, दूसरा हम डायलॉग करें सिर्फ हुकूमत से नहीं, कहीं ना कहीं हम एक एज ए मिल्लत, एज ए हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हमारे से गलती हुई हिंदुस्तान के मुसलमानों से जी। हम इस मुल्क में जब रहते थे यहाँ अलग अलग कौम के लोग रहते हैं, अलग अलग जबान बोलने वाले रहते हैं, अलग रहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमें हमारे उलमाए कराम हो, अकाबिर हो, कौम को इस माहौल में किस तरह से हमको रहना चाहिए, दूसरे कौमों से हमारा राबिता कम होता जा रहा है, क्यों जी, सवाल नहीं कर रहे हैं, तंजीमें बनते हैं खाली मुसलमानों के तंजीम सिर्फ अपने 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 हल्के अपने अपने हल्के अपने नौजवान बिखर गया है जी। तो आज एक डायलॉग प्रोसेस हम हर कौम के लोगों से करना चाहिए, इसलिए मैंने हमने रिसेंटली मैं कुछ ये सब ये करके सेंटर शुरू किए हैं जी, सेंटर फॉर रिसर्च, हमारे पास रिसर्च बिल्कुल जीरो है, तो सेंटर फॉर रिसर्च एंड कम्युनिकेशन ओके, तो सही इस्लाम को प्रेजेंट करो, गलतफहमियों को दूर करो, डायलॉग प्रोसेस करो, यू अंडरस्टैंड देम एंड मेक देम टू अंडरस्टैंड। आज मुसलमान में ये शुऊर हो रहा है कि हम मिलके रहना चाहिए, मगर आज तक जो हुआ उसमें बहुत से कोताहियां कमियां हुई, तो ये मौका है एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए, और हम बटेंगे तो फिरकों में बटे हैं, मसलकों में बटे हैं, इख्तलाफ तो रहते हैं, उसको अदावत में बदला दे रहे हैं, ये हमारे हम हमारे क्रिएटेड प्रॉब्लम से उसका असर पूरी उम्र। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सब बातों पर रोशनी डालने के लिए, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, तो इंशाल्लाह फिर दूसरे मीटिंग में आपसे और बातें होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।